सॉरी 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 फॉर द लेट एवरीवन। मुझे लगा मैंने अपलोड कर दिया, बट अपलोड हुआ नहीं था, कोई नेटवर्क इश्यूज थे। सॉरी वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी यादव, आपकी अपनी डाइटिशियन कम फ्रेंड, और आज हम बात करने जा रहे हैं वेडनेसडे के डाइट प्लान के बारे में कि हमें अब बुधवार को क्या क्या खाना है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स बिगिन टू द डाइट प्लान विच विल लूज योर वेट। सबसे पहले हम सुबह सुबह की शुरुआत करेंगे ब्लैक कॉफ़ी या फिर मिल्क वाली कॉफ़ी के साथ, लेकिन सुबह 6 बजे सबसे पहले हमें पीना है आज मेथी का पानी। जी हाँ, आपको रात को सोख करके रखना है 1 चम्मच मेथी पानी के अंदर, और सुबह सुबह ये पानी खाली पेट पीना है 6 बजे। उसके बाद 7 बजे आपको पीना है ब्लैक कॉफ़ी या फिर मिल्क वाली कॉफ़ी विथ 2 बिस्किट्स, या फिर आपने सोक्ड आमंड्स रखे हों वो ले लीजिए, भिगोई हुई बादाम या फिर भिगोए हुए मूंगफली के दाने। इसके बाद बज रहे हैं 8 बजे, आपको आपका ब्रेकफास्ट करना है, और आज हम बुधवार को खाएंगे स्प्राउट्स। जी हाँ, आपको स्प्राउट्स बनाने हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह सुबह वो अंकुरित हो जाएंगे। उसमें बढ़िया सा टमाटर, नींबू, प्याज और हरी मिर्ची डाल के खाइए, थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लीजिए घी में या ऑयल में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं, और बढ़िया से उसको सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। ऊपर से काला नमक और नींबू डालिए, आहा क्या टेस्ट आ रहा है ना। तो बस सुबह सुबह आपको स्प्राउट्स ज़रूर खाने हैं। उसके बाद आपको 11 बजे लेना है या तो नींबू पानी या फिर ग्रीन टी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, या कोई फ्रूट ले लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 बजे की। 1 बजे आपको लेना है आपका नॉर्मल, जो भी आप खाते हैं आज के दिन। ना मैं आपको कहूँगी कि चपाती की कोई लिमिट है, ना राइस की लिमिट है, तो आप एक काम कीजिए, बस सब्ज़ी पे फोकस कीजिए। आज जो आप आफ्टरनून में बनाएंगे वो या तो छोले होगा या फिर राजमा, इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ आपको बनानी है, और फिर उसको आपको खाना है आपकी चपाती जो मल्टीग्रेन आटे की हो, या फिर राइस, चाहे वो ब्राउन राइस हो चाहे वाइट राइस हो। गाँव में पहले के टाइम पे भुंजिया चावल बना करते थे, आज के टाइम पे वो लोग सोचते हैं भुंजिया चावल अच्छे नहीं हैं, या वो एक्चुअली में ब्राउन राइस हैं, बिना पॉलिश किए हुए ब्राउन राइस हैं, जो बहुत सारे न्यूट्रिशन और फाइबर से रिच होते हैं। इसके साथ आपको सैलड लेना है, आधी प्याज तो खा ही सकते हैं आप, और एक हरी मिर्ची। हरी मिर्च विटामिन सी रिच होती है। हरी चटनी भी आप बना सकती हैं भाई, आपके गमलों में धनिया और पुदीना आसानी से लग सकता है, और आप उसको लगाइए 3 दिनों में, तो आपका धनिया जो है ऐसे लहलाता हुआ ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देगा। तो एक हरी चटनी बनाइए अच्छी, और फिर आपके राइस छोले या फिर राइस राजमा या राइस चपाती, छोले चपाती जो अच्छा लगे वो खाइए। आज के दिन हरी चटनी खाना बहुत ज़रूरी है, दोपहर के वक्त में हरी चटनी ज़रूर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे आपकी रेगुलर चाय पी सकते हैं, ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि नारियल पानी पी लें। एक और ऑप्शन दे रही हूँ, आप मैंगो शेक बना के पी सकते हैं। आम बहुत सस्ते चल रहे हैं, 100 रुपये में 2.5 किलो आम, बताइए और क्या चाहिए। शाम को बढ़िया मैंगो शेक बनाइए, सारा परिवार सारी फैमिली मिलकर मैंगो शेक पीजिए। रात का खाना जो अब 8 बज रहे हैं, तो अब आपको आज रात के खाने में लेना है दाल दलिया। जी हाँ, दाल दलिया बनाइए और वो पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करके खाइए रात को सोते वक्त। आज के मिल्क में आपको लेना है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा का पाउडर आता है मार्केट में, आप परचेस कर सकते हैं पतंजलि का, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। मेरे हिसाब से 1 पिंच इज़ मोर देन इनफ। आपको एक चुटकी अश्वगंधा आपके 1 ग्लास मिल्क में डालना है, यह आपको स्ट्रेस से रिलीफ देगा, अच्छी नींद दिलाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। चलिए ये हो गया वेडनेसडे का डाइट प्लान, कल मैं आपसे मिलूंगी फिर से विथ अ न्यू डाइट प्लान। अब गुरुवार आ रहा है तो देखें उस दिन आपको क्या खाना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय। ओ हाँ, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर।